हेलो माय यूट्यूब फैमिली, अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं तो आज बहुत खुश हूँ। क्यों खुश हूँ? क्योंकि आप लोगों ने मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दिया है। थैंक यू सो मच 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कराने के लिए। मैंने नहीं सोचा था कि जब मैं यूट्यूब स्टार्ट कर रही हूँ तो मेरे 1000 सब्सक्राइबर भी होंगे कभी, क्योंकि ज़ीरो थे, ज़ीरो से बढ़ने में बहुत टाइम लगता है। और शायद ये 6 महीने में मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। सो थैंक यू सो मच, ऐसे अपना लव और सपोर्ट बनाए रखना। और प्लीज़, कोई भी जो भी मेरे ब्लॉग को देख रहा है, अगर वो मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर प्रेस कर लो। मुझे पता है गाइस कि 1000 सब्सक्राइबर बहुत कम होते हैं, बट मैं उससे बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरे 0 सब्सक्राइबर थे। मेरा कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं था यूट्यूब वाला कि कोई करता हो जो मुझे सपोर्ट कर रहा हो इसमें। मैं एकदम न्यू थी और कोई सपोर्टिंग लाइन नहीं थी मेरी। बट यस, मेरा 1000 सब्सक्राइबर हो गया है, तो धीरे धीरे 1 लाख भी होगा, 1 मिलियन भी होगा। बस पेशेंस की ज़रूरत है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। और ऐसे ही मेरे चैनल को देखते रहना, प्यार देना और खूब सारा प्यार देना जितना हो सके। तो चलिए चलते हैं नीचे। आई थी मैं छत पे, तो मिलते हैं नीचे चलते। सो गाइस, मैं जा रही हूँ सब्ज़ी मंडी। सो चलिए आपको भी दिखाते हैं यहाँ की सब्ज़ी मंडी। वैसे तो कोई सब्ज़ी मंडी लगी नहीं होगी कि सुबह के 10 बज रहे होंगे, बच्चों भी लगी होगी। चलिए दिखाते हैं आपको। सो फ्रेंड्स, मैं आ चुकी हूँ घर और अब मैं जा रही हूँ पनीर की सब्ज़ी बनाने। मुझे पनीर की सब्ज़ी बिल्कुल बनाने नहीं आता है, बिल्कुल बनाने नहीं आता है। मैं बहुत गंदा बनाती हूँ पनीर की सब्ज़ी। सो मैं दिन भर न्यू एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ न्यू मसालों के साथ कि कैसे पनीर की सीज़न एकदम अच्छी सी बन जाए रेस्टोरेंट स्टाइल। सो आज चलो फिर से करते हैं एक्सपेरिमेंट और देखते कैसे बनती है। चलो। सो फ्रेंड्स, मैं ये मसाला पीस ली हूँ ग्रेवीज की बनाने के लिए। ये है टमाटर प्यूरी, ये है अदरक कटा हुआ और ये है धनिया। तो चलो स्टार्ट करते हैं बनाना। एंड ये है पनीर, तो मैं इसको दे देती हूँ मम्मी को कट करने के लिए। सो फ्रेंड्स, कढ़ाई में मैंने डाल दिया है ऑयल, फिर उसमें मैंने अदरक डाल दिया है और उसके बाद ये पेस्ट प्याज वाला जो मैंने पीसा हुआ था वो डाल दिया है। इसको पहले अच्छे से भून लेंगे, फिर टमाटर की इसमें प्यूरी ऐड करेंगे। सो फ्रेंड्स, मैंने इसमें डाल दिया है हल्दी, नमक, टमाटर प्यूरी एंड मटर और गरम मसाला। अब इसको पकाएंगे, जब ये हो जाएगा तो फिर इसमें थोड़े सॉसेस ऐड करेंगे, देन पनीर डाल के मेरी सब्ज़ी हो जाएगी रेडी। और देखते हैं कि बनती कैसे है। सो गाइस, मेरी सब्ज़ी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हो कलर बहुत ज़्यादा नहीं आया क्योंकि मेरे पास कलर पाउडर नहीं था, मैंने हल्दी डाला है। बस कैसा लगता है सबको, फिर मैं आपको बताती हूँ। सो गाइस, मेरी पनीर हो चुकी है रेडी। थोड़ा डिफरेंट स्टाइल मैंने ट्राई किया है बनाने का और तीनों सॉसेस ऐड किए हैं, टमाटो और वो सोया सॉस और चिली सॉस जो भी होता है, तीनों मैंने सॉसेस ऐड किए हैं। मैंने बनाया है अपने तरफ से, 1 स्पून मैंने मम्मी को टेस्ट कराया तो उन्होंने बोला कि अच्छी बनी है। बट पापा की कमेंट्री का वेट करते हैं, क्योंकि पापा की कमेंट्री जो आती है वो बहुत वैसी आती है, जो अच्छा रहता है वो लिटरली अच्छा है, जो ख़राब है वो ख़राब है। तो चलो देखते हैं पापा की कमेंट्री क्या आती है। बट आप लोग भी इसको ट्राई कर सकते हो, एक बार आप लोग भी बना के देखना सेम प्रोसेस से, कुछ खास तो नहीं है, बना के देखना और देखना आपकी फैमिली को कैसा लगता है। अच्छी लगती है तो अच्छी बात है, नहीं अच्छी लगती है कुछ नहीं कर सकते। और हाँ, मैंने उसमें बताना भूल गई कि मैंने उसमें दूध भी ऐड किया है, मैंने 1 से 2 कप दूध भी ऐड किया है, तो उसको भी आप लोग ऐड करो। सो गाइस, मैं जा रही हूँ करने नाश्ता और मैंने सोचा कि लाओ एक बार मम्मी को भी टेस्ट कराएं कि कैसा हो रहा है। चलो मम्मी को भी टेस्ट कराते हैं और देखते हैं उनका क्या रिएक्शन रहता है, अच्छा है कि ख़राब बनी।
गाइस ये रहा मेरा नाश्ता और चलो मैं मम्मी को एक बार टेस्ट कराती हूँ कि कैसा बना है। सो गाइस ये मेरी मम्मी और मैं इनको जा रही हूँ टेस्ट कराने कि कैसा बना, और मम्मा जेन्युइन बताना ठीक है। लो सच्ची सच्ची पूछ रही हूँ मैं, सच्ची सच्ची बता रहे, बहुत अच्छा। ढाबा फेल है, ढाबा फेल है। हर बार जो बहुत ही गंदा बनाते थे उस लेवल का गंदा नहीं है ना। सो गाइस मुझे एक रिव्यू मिल चुका है, मम्मा ने दिया है कि बहुत अच्छी बनी है। अब बचा है पापा का, अब पता नहीं पापा रिव्यू देंगे भी कि नहीं देंगे। सो देखते हैं, अगर देते हैं तो अच्छी बात है, मैं इसमें ऐड कर दूंगी, अगर नहीं देते तो कोई बात नहीं। सो गाइस मैं आ चुकी हूँ छत पे और मैंने सोचा कि यहाँ पे मैं व्लॉग की एंडिंग कर दूँ। तो आज मौसम बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है, बारिश हो भी सकती है मे बी, क्योंकि हल्की हल्की ड्रॉपलेट्स आने लगी। सो गाइस मैं इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। ये होप कि आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, बहुत ज़्यादा तो कुछ शेयर नहीं किया मैंने, थोड़ा बहुत किया, बट आई थिंक आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में। एंड गाइस होने लगे बारिश तो मैं चल रही हूँ नीचे। सो बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, और ब्लॉग में मेरे बने रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।